हेलो मनीष, हम लोकेशन पर आ गए हैं, आप कहाँ हो? अपने पीछे देखो एक बार। आप ही मनीष हो? हाँ, मेरा ही नाम मनीष है। और बाय द वे, आप इंस्टाग्राम फोटो से ज्यादा सुंदर रियल में लगते हो। पर आपने तो इंस्टाग्राम पे कभी व्हीलचेयर के साथ पोस्ट डाली ही नहीं थी। अरे आपको पता ना, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और अभी लास्ट टाइम बॉर्डर पे जंग छिड़ी हुई थी, तो उस जंग के दौरान मैंने अपने दोनों पैर खो दिए। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे झूठ बोलते हुए? पूजा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या किया तुमने? अरे कम से कम इतनी तो शर्म करो कि वो एक आर्मी ऑफिसर है। अगर तुम्हें मनाही करना है तो डायरेक्ट मना कर दो, और इसमें इनकी क्या गलती है अगर ये हैंडीकैप दे दो? पूजा, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे शरीर से नहीं। अगर मुझे पता होता ना पहले कि तुम लंगड़े हो, चल नहीं सकते, मैं कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करती और यहाँ पे तुमसे मिलने नहीं आती, और शायद कभी मैं तुम्हें मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती। पूजा, तुम इनसे प्यार से भी तो बात कर सकती हो ना यार। तुम्हें नहीं पता दीप, इन जैसे लड़के कैसे होते हैं। इंस्टाग्राम पे तो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट डाल देते हैं ताकि लड़कियां फंस सके, लेकिन जब मिलने की बारी आती ना तब इनकी असलियत सामने आती है। मुझे लगा फौज में है, हट्टा कट्टा होगा, अच्छा लड़का होगा, लेकिन देखो। पूजा, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? जिससे मैंने प्यार किया वो लड़की तो ऐसी नहीं थी, और मैंने डॉक्टर से भी बात किया, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा और अपने पैरों पर भी खड़ा हो सकूंगा। तो मैं क्या करूँ, मैं इंतजार करूँ तो मेरे दोनों पैर ठीक हो जाए? और तुम क्या बोले थे, इन जैसों से मैं प्यार से बात करूं, तो अब देखो मैं इसके साथ क्या करती हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है क्या? नहीं है इंसानियत, थोड़ी भी इंसानियत नहीं है, और तुम्हें बहुत दया आ रही है ना, तो ढूंढ लो ना इसके लिए इसी की तरह लड़की। अपाहिज, मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, और अब तक लंगड़े तूने कितना कमाया होगा? हाँ, मेरे खर्चे उठा सकता है, मेरे शौक पूरे कर सकता है? नहीं ना, तो हम दोनों का भी कुछ नहीं हो सकता। अब चलो यहाँ से, मुझे नहीं पता मैं इसके साथ क्या कर बैठूंगी। पूजा, मेरी बात तो सुनो। अजीब हद है यार, शर्म वरम कुछ है ही नहीं, इतनी बेइज्जती मैंने कर दी उसके बावजूद मुझे बुला रहा है। पूजा, तुम्हें बस मेरे पैरों से दिक्कत है ना? हाँ, जो इंसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता वो मेरा साथ क्या निभाएगा? और अब अरे आप तो बिल्कुल ठीक है। तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो? हाँ। पर तुमने मेरे साथ इतना ड्रामा क्यों किया, झूठ क्यों बोला? मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला ताकि मैं तुम्हें जान सकूं कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है मैं प्यार करता हूँ वो असल में है कैसी। और तुमने तो कहा था कि तुम मेरे दिल से प्यार करते हो ना कि मेरे शरीर से, और हमें व्हीलचेयर पे आया और मुझे लंगड़ा देख के तुम तो जाने लगी, ऐसा क्यों? देखिए, I'm sorry, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। I'm sorry, मैंने तुम्हें एकदम से व्हीलचेयर पे देखा ना तो गुस्सा आ गया, बाकी तुम जानते हो ना, I love you। तुम करती होगी मुझसे प्यार, लेकिन अब मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, और इनफैक्ट मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। और आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो उल्टा इसे समझा ही रहे थे। और मैं अपनी लाइफ में कोई ऐसी लड़की नहीं लाना चाहता कि जो इंसान को इंसान ही ना समझे। गुड बाय।